तो सारे रिश्तेदार आगे होते हैं, और जब व्यक्ति की अर्थी जाती है तो कोई रिश्तेदार आगे नहीं होता, सब पीछे हो जाते हैं। अर्थात शिव पुराण कहती है, तुम्हारे सुख के समय में, तुम्हारी करोड़पति हो, धनपति हो, तुम्हारी सत्ता चल रही, तुम्हारा वैभव चल रहा है, तुम्हारी कुर्सी की सत्ता है, तुम्हारा वैभव है, सब तुम्हारे आगे होंगे, और जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख आया उस दिन सब तुमसे पीछे होंगे, कोई आगे नहीं आएगा। बारात में सब आगे, मरने पर अर्थी के सब पीछे, दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। और सुख में सारे रिश्तेदार आगे होंगे, दुख में सब पीछे होंगे, पर इतना याद रखना, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें आगे कोई नजर नहीं आएगा, तब एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में नजर आएगा, एक महादेव। क्या जाता है? एक मुर्दे के साथ में जाता क्या है? घर से लेकर जब मुर्दे को जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? एक उसके ऊपर पिंड रख देते हैं, इधर रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं है, आटे का, जो कि आटे का बनाकर एक पिंड, पिंडा, और एक थाली में भरा हुआ पानी का लोटा, जो महाराज शुरू से कहते आ रहा है कि पिंडी पर पानी चढ़ाओ, लोटा भर के चढ़ाओ, वो आखिरी तक शमशान तक वो आगे आगे लोटा चला है, बताने के लिए कि तूने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो तेरे आगे भले कोई नहीं दिखेगा, महादेव तेरे साथ में चलेगा। एक लोटा जल भरकर पिंड लेकर चले जा रहे हैं, वो बता रहा है कि तूने अगर जिंदगी में जीते जी भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाया है तो वो तेरे दुख की घड़ी में सामने और अंत समय प्रभु आवड़ेगा वचन दिया वचन दिया तो निभाना। हमको समझना होगा, हमें विचारना होगा कि हमारी जिंदगी हमें कैसे जीना है, हमें अपना जीवन कैसा जीना है, ये हमको निर्भर करता है, अपने पर निर्भर करता है, हम अपनी जिंदगी को कैसे जी। विद्वान कौन बनाता है? भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर भेजा कि तुम्हें भजन करना है तो तुम भजन ही करोगे। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर भेजा कि तेरी जिंदगी में तुझे दुकान पर बैठकर ये कमाना है तो वही कमाओगे। विद्वान उसने अगर विद्वान पैदा कर भेजा है, विद्वान भेजा, विद्वान पैदा कर उसने विद्वान भेजा, बनाया किसने, शरीर किसने बनाया है? जम के बोलो, अरे शरीर बनाने वाला कौन है? जम के बोलते जाओ जरा, कौन है? भगवान। जन्म लेने के बाद में श्वास 21,600 श्वास प्रतिदिन देने वाला कौन? जब पैदा हुए तो मकान जमीन जायदाद कुछ लेकर आए थे, तुम्हारे भाग्य में लिखकर देने वाला कौन? विद्वान बनाने वाला कौन? अगर भगवान विद्वान को पैदा करता है तो मूर्ख को भी भगवान ही पैदा करता है।
उसने विद्वान बनाया ना, तो उसने मूर्ख भी बनाया। जब उसने विद्वान बनाया तो उसको कोई हरा नहीं सकता, और उसने अगर किसी को मूर्ख पैदा करा तो उसको अच्छा अच्छा भी समझा नहीं सके, भले वो सियोर वाला महाराज क्यों। आप जब अपने व्हाट्सएप को खोलोगे, आप इंस्टाग्राम को खोलोगे, फेसबुक को खोलोगे, यूट्यूब को खोलोगे, तो उसमें तुम्हें दो नजर आएंगे, विद्वान भी नजर आएंगे जो किसी की निंदा नहीं करेंगे, हर बात में अच्छा बोलेंगे, और उसमें एक तुमको कमेंट्स में बीच बीच में मूर्ख भी नजर आएगा जिसका कोई काम नहीं 24 घंटे निंदा करना, बुराई करना। अर्थात अब लोग कह रहे हैं कि भैया उसको समझा रहे हैं कि तू निंदा मत कर, तू मत बोल, आड़ा तेड़ा मत बोल, पर वो मान ही नहीं रहा, वो तो कमेंट्स पर कमेंट्स करे जा रहा, बोलने पर बोले जा रहा। इसका मतलब समझ लो कि भगवान ने विद्वान भी उसने पैदा करा तो मूर्ख भी उसने पैदा करा। जब विद्वान अपनी विद्वत्ता से नहीं हार सकता तो मूर्ख अपनी मूर्खाई से नहीं हार सकता, वो हार ही नहीं सकता, वो करे गई, उसको तुम कितना ही समझा लो। अरे गधे को गंगा नहाओ तो क्या वो मिट्टी में नहीं लौटेगा? बनाने वाला वो परमात्मा, आपको और हमको अगर बनाया है उसने, कितना कितना समझाया दुनिया के लोगों ने, जो जो आप लोग जो तंबाकू की पुड़िया खाते हो उस पुड़िया के ऊपर फोटो बना होता है कैंसर का, बोलो सही है कि गलत है, जम के बोलो जरा। उस तंबाकू की पुड़िया पर फोटो बना होता है, सिगरेट के पाउच पर फोटो बना होता है कैंसर का, बीड़ी के बंडल पर कैंसर का फोटो बना होता है, मदिरा की बोतल पर कैंसर का फोटो बना होता है। अगर व्यक्ति जरा सा फिल्म में देखता है तो उसको ज्ञान आ जाता है, और वो रोज पुड़िया पर देखता है तो ज्ञान क्यों नहीं आता? उसका ज्ञान कहां चलेगा, उसकी विद्वत्ता कहां चलेगा? ये इतने सारे पत्र हैं, इतना पत्र है, इनमें रिपोर्टें भी लगी हुई, इन पत्र को दिखाने का हमारा सार्थक नहीं है, ये पत्र तो हम विराम में निकाल लेते, पर निवेदन है जो दिल दुखा है 40 गांव की कथा में, हम उसको दर्शाना चाहते हैं। जो कह रहे हैं आप लोगों को लग रहा होगा कि गुरुजी आज किस टॉपिक पर बोल रहे हैं, इन पत्रों में 40% पत्र कैंसर के हैं, इसको देखकर हमारा दिल दुखा कि उस घर के बच्चों का, उस घर के माता पिता का, उस घर के लोगों की दशा क्या होती होगी जिनके पास रुपया नहीं होता होगा और बॉम्बे में जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ता हो। आप अगर देखकर भी ना समझो और अनदेखा कर दो तो आपके ऊपर है। हम नहीं कहेंगे कि तुम पाउच छोड़ो, कि तुम गुटखा छोड़ो, कि तुम सिगरेट छोड़ो, कि तुम दारू छोड़ो, कि तुम मीट खाना छोड़ो। हम तो केवल इतना कहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो निवेदन है शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन छोड़ दो, शिव पर जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हारे मन में वो धारण कर लो कि यार मेरे बच्चों के साथ मेरे को जिंदगी जीना है, मेरे परिवार के साथ रहना, मेरी पत्नी का सुहाग हूं मैं, ना जाने कितने लोगों के दिल की आस हूं मैं, मेरे माता पिता परिवार कुटुंब। हम नहीं कहेंगे तुम आज छोड़ो, जिस दिन तुम शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारा दिल कर जाए उस दिन समझ लेना कि आज बस अब मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज से मैं सिगरेट और बीड़ी नहीं पीऊंगा। जिस दिन हम नहीं कहेंगे कि तुम छोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े छोड़ो, ना छोड़ो मत छोड़ो, एक पत्र तुम्हारा भी आ जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि अब मैं महादेव का हो गया,
मैं शंकर कर शंकर मेरे हो गए, प्रेम गली अति साकरी जा में दो ना समाए। इस हृदय में या तो शिव रहेगा या फिर इस हृदय में दारू रहेगी, इस हृदय में या तो शिव रहेगा या इस हृदय में फिर तंबाकू रहेगा। मेरे लिए एक को मुझे चुनना, ये मेरा मन मेरे शिव को सब। कोई शब्द आपके मुख से ऐसा ना निकले कि किसी का दिल दुखे, दिल दुखे। कई लोगों को बहुत शौक होता है मीडिया में आना, डिबेट में आना, बोलना, चार लोगों में प्रसिद्धि पाना, ये सब शौक रहता है। लोग हमसे भी कहते हैं तुम नहीं बैठते डिबेट में, तुम नहीं जाते मीडिया में, तुम नहीं जाते पत्रकारों के बीच में, तुम नहीं मिलते पत्रकारों से, तुम नहीं मिलना चाहते किसी से। हम कहते हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द निकले जिससे किसी का दिल दुखे। उससे अच्छा है महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। क्यों मन दुखाएं किसी का? हमें परमात्मा ने पैदा करा है उसका भजन करने के लिए। ना तो हम संत बनेंगे, ना हम साधु बनेंगे, ना हम घर छोड़ेंगे, ना हम परिवार छोड़ेंगे, ना हम गंगा जी के घाट पे जाके बैठेंगे, ना हम वन में जाकर बैठेंगे, ना हम जंगल में बैठेंगे। आपको भी निवेदन है, आपको जंगल मंगल में जाके नहीं बैठना, आपको आपको साधु संत नहीं बनना। अपन जैसे हैं वही अच्छे हैं, अपन तो अपनी पत्नी के भेरू अच्छे हैं, अपने को नहीं बनना। और माताओं से भी निवेदन है तुम कभी ये मत सोचना कि अपन संत बन जाए, सन्यासन बन जाए, नहीं नहीं नहीं, तुम तो जगदम्बा अच्छी हो, तुम्हें संत साधु सन्यासी तपस्वी नहीं बनना। और ना मेरे जीजा उनको कुछ बनना है, हम तो बने बनाए, शादी के पहले बेवकूफ बन गए, वही बहुत है। तो तुम ऐसा सोचो ही मत कि अपने को कुछ बनना, अपन तो बन गए जो बनना। ना संत बनना है, ना साधु बनना है, ना हमको तपस्वी बनना है, ना हमें कोई वन में रहने वाला सन्यासी बनना है। हम तो जिस घर में रह रहे हैं, बच्चों का अच्छा बाप बन जाऊं, पत्नी का अच्छा पति बन जाऊं और माता पिता का अच्छा बेटा बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। हम वही तो अच्छे से नहीं बन पा रहे, हम वही अच्छे से नहीं बन पा रहे, तो हम संत क्या बनेंगे, फिर साधु क्या बनेंगे, तपस्वी क्या बनेंगे। साधक क्या बनेंगे? शंकर भगवान काशी में बैठे हैं, पार्वती जी उनके पास में बैठी हैं, नंदनवन काशी में पार्वती जी घूमने गई शिव जी के साथ। पार्वती जी जब घूमने के लिए गई तो माता पार्वती जी को शिव जी वहां छोड़कर शंकर भगवान कहीं चले गए। पार्वती से कहा तुम यहां रुको। पार्वती जी कहती हैं मैं यहां अकेली। शिव जी कहते हैं अकेली नहीं हो तुम, रुको, ये नंदन वन है, यहां से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही पार्वती जी शंकर जी गए, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करी मुझे एक बेटी प्रकट कर दो, तो उनको एक बेटी मिल गई जिसका नाम अशोक सुंदरी था, अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी प्रकट होकर पूछती है अपनी माता पार्वती जी से। अशोक सुंदरी ने पूछा अपनी माता से, मां मेरे जन्म का कारण क्या, मुझे क्यों जन्मा, मुझे क्यों प्रकट करा, मेरे जन्म का कारण क्या। ये दो एक पर्दे लगे ना, इनको हटा दो, ये पर्दे उन जो लगे इनको खोल दो, इधर के भी पर्दे थोड़ा थोड़ा खोल दो, पर्दे उन खोल दीजिए, उधर सर का दो पर्दे खोल दीजिए। मां मेरे जन्म का कारण क्या, हाँ खोल दो पूरे पर्दे खोल दो, माता सर का दो। मैं
मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मी है, किस मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ? बस यही बात हमारी जिंदगी में आती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। अशोक सुंदरी ने माता पार्वती जी से पूछा, मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मा? पिता कह रहे हैं बच्चे के लिए, दो पति पत्नी रोड पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग में झगड़ रहे, पति कह रहा मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब वहीं से एक संत जा रहे थे, उन्होंने कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति कहता मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुला लो, पूछ लो कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है। जो पैदा ही नहीं हुआ अभी उसकी उलझन चल रही है कि तू डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। आपने थोप दिया तुझे ये बनना ही पड़ेगा। एक बार बेटे से तो पूछो, पापा बच्चे से पूछो कि तू क्या करना चाहता है, तेरे आगे की लाइफ क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। कितनी होड़ लगी है बेटे को डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आज तक कोई माँ हमारे पास आकर नहीं बोली कि मेरे बच्चे को मुझे नामदेव तुकाराम रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद बनाना, एक नहीं आई। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, सीए बनाना, ये बनाना, पर कोई नहीं कहता कि मेरे बेटे को मेरे को नामदेव जी बनाना है, कि तुकाराम बनाना है, कि मुझे रामकृष्ण परमहंस बनाना है, कि चैतन्य महाप्रभु बनाना है, कि मीराबाई बनाना है, कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनाना है, कोई नहीं आता। अब सोचो तुम बेटे को डॉक्टर बनाने में लगी हो, तुम बेटे को इंजीनियर बनाने में लगी हो, उसके बाद भी तुम्हारा बच्चा अगर लोटा भर के जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहा है तो समझ लेना ये तुम्हारा दिया नहीं, ये परमात्मा के यहां से भेजा हुआ है और सहज है, उसने बनाना चाहा इसको कि ये मेरे मंदिर तक आए। आज लाखों लोग, लाखों भक्त आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। पूरी रात लोग गाड़ियों से आते रहे इस 40 गांव के लिए, पूरी रात चलकर आए हैं आज लोग, और पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बीच रस्तों में लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं। और यहां जितने बैठे हो ना तुम सब अंदर, हम जानते हैं तुम्हें नींद मींद नहीं आई होगी, रात भर डीजे ढोल मंजीरा नगाड़े बैंड भजन कीर्तन बिस्कुट टॉफी केसर का दूध चाय हलवा पूरी पूरण पोली। हमारा भी मन होता है तुम्हारे साथ एक बार तो रुके पंडाल के अंदर, हो आनंद की अनुभूति वही है, रात्रि को सवा रहे हैं भजन कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं आनंद कर रहे हैं, ये शिव तत्व है, बहुत घड़ी है। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे, कोई और छोर नजर नहीं आ रहा, जहां देखोगे वहां तक भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं शिव जी के। पर निवेदन केवल एक है, अपने भीतर एक बार शिव भक्ति को जागृत करना, एक बार। आप पुरुष हो, स्त्री हो, बेटा हो, बेटी हो, नारी हो, एक बार शिव भक्ति को जागृत करना, शंकर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करो। जब आप शंकर भगवान के मंदिर तक जाने का प्रयास, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप शंकर की पूरी कथा चाहते हो तो कमेंट करके जरूर कहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।